कितनी कोशिश कर रहा है रोक्सी के पास आने की कोशिश कर रहा है भाई। रोक्सी इधर से गुस्सा दिखा रही है अपना भाई, रोक्सी से अटैक करने की सोच रही है गाइस। रोक्सी खुल कर भाग गया, ए रोक्सी बेचक ए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होगे। आपका स्वागत है पिटबुल लवर व्लॉग में। तो गाइस आज मैं जादू बन के व्लॉग शूट कर रहा हूं भाई। सही लग रहा ना मेरा गेटअप भाई, ज्यादा बढ़िया भी लग रहा, ऐसे ठीक है नॉर्मल। तो गाइस अभी फिलहाल जोजो के पास जा रहा हूं मैं। जोजो कहां है? तो गाइस इसे देख लो भाई, यो कैसा पड़ा आराम से मम्मी के पीछे, मम्मी को भी जगह भी नहीं दे रहा बैठने की। और इसे देख लो भाई, यो डर गया, मैंने इसकी तरफ को फोन घुमाया, यो डर गया, यो सोच रहा कभी इसमें मैं चांटा धर दूं। जोजो कहां गया मम्मी? तो गाइस भाई जोजो तो ऊपर है, और देख लो बुजो कैसा बैठा भाई, मम्मी को भी जगह नहीं दे रहा बैठने के, आराम से मम्मी का पीछे बैठा। और गाइस ये इतना आराम में जब इसका गुस्सा आएगा ना भाई, अपने पांव चला के ना मम्मी को भी नीचे गिरा देगा भाई, अपने जगह नहीं देता किसी को भी। तो गाइस पहले भाई चाय पीते हैं, फिर बाद में ऊपर चलते हैं जोजो के पास, क्योंकि भाई मैं सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो गया। और गाइस ठंड भी लग रही है भाई, जल्दी से चाय पीते हैं फिर ऊपर चलते हैं। गाइस इसे देख लो भाई, मम्मी को उठाकर भगाई दिया इसने, यो इतना आराम में। और इसे देख लो भाई, यो इतना बड़ा ढोर है ना चाय का, पूरा कप भर के पीवा भाई, बड़े वाला कप। तो गाइस अभी भाई जोजो के पास चलते हैं फिलहाल ऊपर। और गाइस इसे देख लो, यो कहां पे घूम रहा भाई, इधर आ जा जल्दी। ओए ओए नहीं 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 हट जल्दी, खाली। और ये इस पर कोई चढ़ा गया, इतना पागल है, बहुत ज्यादा बदतमीज हो रहा है। और गाइस इसे टप्पू भी मना कर रहा कि इधर को मत जा भाई, देख लो टप्पू भी अपनी खाट खींच के लिया, वहां पड़ी थी यहाँ से यहाँ खींच ली इसने। गाइस देख लो भाई रोक्सी बोरी ऊपर, अभी ऊपर चलता है भाई रोक्सी के पास। गाइस रोक्सी से ही मिलवाता हूँ मैं भाई तुम्हें। और गाइस देख लो भाई योरी अपनी रोक्सी यहाँ पे ऊपर। गाइस मैं बताता हूँ भाई तुम्हें इसकी पूरी कहानी की, आज यो घर पे कैसा है भाई। पीछे यहाँ से हट जा, देख लो भाई इस पे चढ़ के यहाँ पे ड्राम ड्राम अड़ा रखा, इसकी वजह से कभी इनकी फाइट हो जाए। देख लो भाई वो खड़ा जोजो नीचे, जोजो को भाई नीचे छोड़ रखा, और बूजो को भी कभी इनकी फाइट हो जाए। देख रहा भाई अभी फिलहाल यो उंगा भाग गई थी गोलू के साथ, गोलू उधर कूदा था, तुरंत उंगा कूद गई और मुझे देखते ही देख लो यहाँ पे कूद गई तुरंत। देख लो भाई रोक्सी कितनी तेज हो रही है, ईसा बोला गोलू, ईसा बोला जल्दी जा, गो रोक्सी गो गो। गाइस देख रहे हो भाई कितनी आराम हो रही हो, इन्हें हटाने लग रही भाई, यहाँ पे लगा रखा ना गेट बंद कर रखा इसकी वजह से भाई, पिलाई लगा रखी है देख गोल रही। गाइस देख रहे हो भाई रोक्सी कितनी आराम हो रही भाई, हमने यहाँ ड्रम खड़ा कर रखा था, और भाई यो गेट सा लगा रखा, यो पिलाई खड़ी कर दी थी ना हमने, तो भाई इसमें ड्रम में लात बजाना लग रही है, इसे हटाने के चक्कर में ऐसा पिलाई को भी घेरती भाई ड्रम को भी, ये भागने की कोशिश कर रही है यहाँ से भाई। और वो तो इसकी सेफ्टी यही है, हमने इसे यहीं रख रखी, देख लो भाई चारों तरफ कैसे देख रही, स्ट्रीट डॉग लुटे है ना वहाँ पे, और भाई नीचे टप्पू भी है, टप्पू को देख रही भाई, यो बट्टा टप्पू देख लो कैसे देख रही भाई, टप्पू को देख रही बहुत देर से, इसके अंदर के कुछ है। गाइस दिन पे दिन भाई कुछ ज्यादा आरामी होती जा रही है यो, और भाई नीचे से टप्पू भी भोग रहा और ऊपर से यो भोग रही, बहुत अच्छा हुआ भाई जोजो ना था, मैं तो ये सोच रहा था कि जोजो आ गया भाई, जोजो की वजह से इतनी पावर लगा रही है, जोजो की वजह से गिरना चाह रही है इस गेट को, जोजो तो नीचे ही था भाई, मेरे हाथों ही चाल लोगी गेट हटाना। देख लो गाइस चारों तरफ भगी फिर रही है भाई, जब से छत पर बंद करी है ना इसे, जब से भाई कभी इधर जा रही है, कभी इधर वाली दीवार पे जा रही है, कभी उधर वाली दीवार पे जा रही है भाई, चारों तरफ से देखती फिर रही है, यो आग आ गई। देख लो अब ये जोजो को देख रही है, जो अपना घर देख रही है भाई, देख लो सामने इसका घर था ना, वही रह करी थी, क्योंकि भाई ऐसा हमने वहाँ इसलिए नहीं रख रखा, देख लो यहाँ पे कुछ लोग आकर रहने लग गए ना। गाइस रोक्सी का रहने का मकसद भाई यही है घर पे, क्योंकि भाई उधर लोग रहने लग गए भाई, उनका घर वर बन रहा है ना, इसी वजह से दो तीन महीने के लिए अब फिलहाल वे वहीं रहेंगे, दो तीन महीने भाई रोक्सी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, या फिर भाई जहाँ फैक्ट्री में पहले रहती थी या फिर वहाँ रखना पड़ेगा। गाइस देख लो भाई जोजो कैसे देख रहा है रोक्सी को, गाइस देख रहा भाई जोजो खड़ा होगा पूछ ला रहा रोक्सी की वजह से भाई, ये देख रहा कि हमारे घर में कौन आ गया, ऐसा भाई ठंड लग रही, कांपने लग रही, गोली इसके सिर पर हाथ फेर रहा ना, देख लो कांपने लग रही बार बार, क्योंकि भाई हवा चल रही है एक तो ठंडी, ऊपर से इधर चारों तरफ से एरिया भाई खुला है, ऊपर से गाइस देख लो भाई चारों तरफ से खुला एरिया है, इसी वजह से ठंडी हवा लग रही है। इसे देख लो गाइस रोक्सी को भाई कहाँ बांध दिया आया, देख लो वहां से भाई उठ उठ के देख रही है बार बार, दीवार पे चढ़ चढ़ के भाई इधर उधर देख रही है, एग्रेसिव हुई पड़ी है भाई फुल, भाई ये सोच रही है कि मैं कहाँ आ गई, देख लो भूख चिल्लाने लग रही है। तो गाइस देख रहे हो भाई जो जो भी रोक्सी को देख कर पागल हो रहा, देख लो भाई भाई मुझसे करा कि भेज दे इधर रोक्सी के पास भाई, रोक्सी को मैंने वहां बांध रखा है ना इधर, भाई चढ़ने की कोशिश कर रहा, देख लो रो क्यों रहा है, चल वहीं ना, देख लो भाई चढ़ने की कितनी कोशिश कर रहा है, रोक्सी के पास आने की कोशिश कर रहा है भाई, रोक्सी इधर से गुस्सा दिखा रही है अपना भाई, रोक्सी से अटैक करने की सोच रही है।
गाइज आज भाई जोजो को और बुल्ली को लेकर जाएंगे भाई इन दोनों की रेस करवाने के लिए। भाई रोक्सी को तो लेकर जाएंगे ना क्योंकि रोक्सी इतनी खतरनाक है ना, रोक्सी तो भाई फाइट करने लग जाएगी बुल्ली से और भाई जोजो से भी इसकी फाइट हो जाएगी, जोजो बुल्ली को देख कर लड़ने लगेगा। गाइज रोक्सी खुल कर भगाया, ए रोक्सी गाइज रोक्सी की और भाई जोजो की फाइट हो गई थी पता ना कैसा, भाई रोक्सी खुल कर भाग गई, भाई दोनों के दोनों लड़ पड़े। वो तो अच्छा हुआ मैंने एकदम फोन बंद करके जेब में रखा और भाई इन दोनों को पकड़ लिया। भाई पहले तो मैंने जोजो को हटाया, भाई रोक्सी मान ना रही थी भाई जब भी पकड़े जा रही थी उसे बार बार, और फिर बाद में भाई मैंने जोजो को जल्दी उठाकर भाई पल्ली तरफ फेंका और भाई फिर बाद में रोक्सी को पकड़ा और भाई तुरंत बांध दिया। देख रहे हो गाइस पता ना इसका पट्टा कैसा खुल गया था, पट्टे में से खुलते भाई तुरंत उधर जंप मार दिया। भाई मैंने जोजो को उधर से उठाकर इधर करा, भाई तुरंत रोक्सी इधर आ गई और फिर उसके बाद उधर पहुंचाया, फिर बाद में भाई उधर ही पहुंच गई। गाइस बहुत तगड़े वाली फाइट हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने भाई टाइम पे छुटा दिया। गाइस देख रहे हो भाई जोजो हो रहा, भाई जोजो क्या उसने दांत मार दिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई देख लो कितनी खतरनाक फाइट हुई थी इनकी, देख रहे हो गाइस, भाई इसने किल्ला पकड़ कर भाई इसकी टांग खींच रही थी जोजो की, देख लो ये रहा भाई कुछ ज्यादा खतरनाक दांत मार रखा इसने इसका, देख रहे हो ये रहा। तो गाइस अभी भाई गोलू दवाई लगा रहा है जोजो का, भाई इसके जहां जहां किल्ले लगे थे उसके। जोजो बैठ जा, भाई जोजो तो कांप रहा पूरी बुरी ढाल, देख रहे हो इसे भाई पता ना ठंड लग रही है या भाई पिटने की वजह से कांप रहा। भाई इसके पाँव पे हमला लग रहा था उसने, अगर भाई मैं ना उठाता ना तो भाई इसके और भी किल्ले मार देती वो। रुक जा आराम से जोजो, रुक जा मैं पकड़ूंगा इसे, ले यहाँ जा, बस लग गए। तो गाइस अभी भाई रोक्सी को यहाँ लेकर आए थे फैक्ट्री के अंदर जहाँ वो पहले रहती थी, रोक्सी को अभी फिलहाल वहाँ बांध दिया और हमारे साथ भाई खन्ना भी है और ये भी है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और गाइस इसके अंदर भी सामान है और उसके अंदर भी सामान है। तो गाइस भाई दोनों दुकान के अंदर सामान है और जिसमें पहले रोक्सी रहती थी भाई उसके अंदर भी लोग रहने लग गए हैं। भाई सोचा था दोस्त को दे देंगे, उसके पास कॉल तो कर दिया पर भाई उसे टाइम लगेगा आने में, आज उसे दे देंगे इसको। तो गाइस फिलहाल भाई घर आ गया हूँ और रोक्सी को अभी फिलहाल बंद कर दिया है क्योंकि अभी तक दोस्त आया नहीं है, भाई वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, हो सकता है शाम तक आए। और गाइस अभी भाई जोजो फिलहाल सोया हुआ है, भाई जोजो को ही देखा है मैंने आके, जोजो तो सोया पड़ा है। गाइस उसका किल्ला ज्यादा लग गया पर भाई डरने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि दवाई वगैरह तुरंत ही लगा दी थी गोलू ने। तो गाइस सोच रहे थे कि भाई जोजो को और स्पाइडर को लेकर जाएंगे, इनकी रेस कराएंगे, देखते हैं कौन जीतता है, पर गाइस ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो गाइस कोशिश करेंगे भाई बुजो को और स्पाइडर को एक साथ मिलाने के लिए, भाई देखते हैं इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है एक दूसरे से मिलने के बाद। तो गाइस बुजो को लेकर चलते हैं भाई स्पाइडर के पास। तो गाइस भाई फिलहाल मैंने जोजो को भी बुलाया है, जोजो भाई सो रहा था, जोजो भी फिलहाल भाई आ गया है, देख लो भाई जोजो भी आ गया। भाई देख लो कितनी तेज जरा भाई स्पाइडर के पीछे पीछे क्योंकि उसे स्पाइडर दिख गई इसलिए वो पूरी तेज गया। अब क्या गाइस देख लो स्पाइडी कितनी खुश हो रही है भाई से देख के जोजो को, और भाई देख लो अब धीरे धीरे भाई बुजो को सोच रहा हूँ इससे मिलाने के लिए, पीछा को रखिए थोड़ा सा भाई पता नहीं मिलेगा या नहीं, इसका कुछ भरोसा नहीं है। टोने दांत तो ना दिखा रहे हो, दिखा रहा ओए ओए रुक जा। गाइस स्पाइडी से भाई मैं बुजो को मिलवा तो रहा पर इसका भाई कुछ भरोसा रहा, पहले जब ये इससे मिलवाया था ना गोलू ने स्पाइडी से बुजो को, भाई इसने इसकी गर्दन पकड़ने वाला था, वो तो अच्छा हुआ गोलू ने इसे खींच लिया था। गाइस देख लो भाई बुजो पूंछ तो हिला रहा पर भाई एग्रेसिव लग रहा मुझे, इसका कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि भाई देख लो स्पाइडी तो खैर कुछ कहती नहीं भाई, वो लड़ती भी नहीं स्पाइडी, देख लो पूंछ हिला रही है पूरी तेज, पर भाई इसका कुछ भरोसा नहीं। भाई अभी पकड़ लेता बुजो इसकी नाड़, वो तो अच्छा हुआ एकदम भाई मैंने खींच लिया था भाई गोलू ने। ओए निकल रहा जैसा पीछे करो भाई, देख रहा अपनी नाड़ काट रहा भाई जंजीर में से नाड़ काट रहा, रहने दे छेड़ा मैं ऐसा गुस्सा आ रहा। तो गाइस देख रहे हो भाई यो मेल है और वो फीमेल है, भाई जब भी इतना खतरनाक है ना भाई बुजो उससे जाकर अटैक कर रहा सीधा, भाई ये भी नहीं कि फीमेल है वो सामने वाले कुछ नहीं कहने का, भाई ये तो बहुत हराम है गाइस, ये नहीं देखता है भाई यो फीमेल है या मेल है, भाई यो तो सीधा अटैक करने लग जा। देख रहे हो गाइस वो गाइस देख रहा भाई उधर स्ट्रीट डॉग जा रहा है ना, भाई यो वो वाला डॉग है जोन सा भाई बंदर पकड़ के ले गया था बुजो, भाई उसे ही देख रहा बहुत देर से, देख लो वो बैठ गया और इसे देख लो भाई टोने को ना मुनक्खे खिलाने लग रहा बहुत देर से, ताकत ही डालनी है। तो गाइस अभी फिलहाल भाई मैंने स्पाइडर को भिजवा दिया और भाई बुजो को भी मैं घर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि भाई इसका कुछ भरोसा ना है, नाड़ में से भाई अपनी झंझीर निकाल ले सीधा अटैक कर देगा भाई इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे भाई बहुत सारे स्ट्रीट डॉग भी घूम रहे हैं इसलिए भाई बुजो को लेकर जाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर।